मैं हूँ मेघा। मैं हूँ सौरभ। और हम हैं देसी कपल ऑन द गो। और आप लोग देख रहे हैं हमारी दुबई ट्रैवल सीरीज। और आज जा रहे हैं हम रस अल खैमा, जो कि वन ऑफ द एमिरेट्स है, वन ऑफ द सेवन एमिरेट्स है। इट्स अ फोर्थ लार्जेस्ट एमिरेट्स इन यूएई। और ये दुबई से अराउंड 110 किलोमीटर है। और हम लोग वहाँ जा रहे हैं कार ड्राइव करके, जो रेंटल कर लिए हम लोग जा रहे हैं उससे। इट विल टेक अराउंड 1.5 आवर टू रीच फ्रॉम दुबई। मगर अगर आपके पास कार नहीं है तो भी आप वहाँ जा सकते हैं बस से। बस लेती है अराउंड 2 आवर्स और उसका प्राइस है 25 AED एमिरेट्स दिरहम। तो हम लोग वहाँ जाएंगे, निकलेंगे और वहाँ पर बीच है। और वहाँ पर क्या है मेरा? और हम जा रहे हैं वहाँ पे एक रिसॉर्ट में और बीच को एंजॉय करेंगे। और वहाँ पे पर्ल्स बहुत अच्छे मिलते हैं, तो लेट्स सी कि कुछ पर्ल्स हम खरीदते हैं क्या। बट वो वहाँ जाके ही डिसाइड करेंगे। बट अभी जा रहे हैं हम लोग रस अल खैमा। सो नाउ लेट्स गो। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे रस अल खैमा के होटल में। yes, और ये होटल का नाम है द कोव रोताना। कोव रोताना। ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे हमको यहाँ आने में। ड्राइव करके आए थे हम लोग, शारजा क्रॉस हुआ था। हाँ, शारजा क्रॉस हुआ तो याद आया कि बचपन में हम लोग क्रिकेट मैच देखते थे जो शारजा में बहुत होते थे। yes. बट अब शायद नहीं होते। नहीं, अब नहीं, अब तो मोस्टली दुबई में होते हैं। दुबई में स्टेडियम बन गया है नया। बट अब आ गए हैं यहाँ द कोव रोताना। यस, और ये एक बीच रिसोर्ट है। तो यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट, वीकेंड है, वीकेंड स्टार्ट हो गया है दुबई में। आज फ्राइडे है तो यहाँ काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। फुल है ऑलमोस्ट रिसोर्ट। और बीच भी काफ़ी वार्म वेदर है, 28 डिग्री टेम्परेचर है अभी। और हम जहाँ से आ रहे हैं, और हम जहाँ से आ रहे हैं, और हॉलैंड में तो बहुत सर्दी पड़ रही है, माइनस टेम्परेचर है हमारे लिए। तो अचानक से हमारे स्किन को सन मिल रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग अभी चेक इन नहीं कर पाए क्योंकि 1 आवर के बाद रूम रेडी नहीं है। तो रूम रेडी होगा आई थिंक एट 1:30 2 o'clock, और अभी 12:40 हो रहा है। तो तब तक हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग एक पूरा इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलते हैं और इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करते हैं। इस रिजॉर्ट में आप सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कि एस्केप, अनवाइंड, चिल, लाफ, शेयर एंड एंजॉय। हम लोग अभी आए हैं बीच पे क्योंकि अभी भी रूम नहीं मिला है। पर सोचा बीच को देख सकते हैं, तो पहले बीच पे आते हैं और बीच का मजा लेते हैं। तो बीच पे आ चुके हैं, बहुत सारा बीच बीच हो गया वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का। लोग यहाँ पर विंटर स्केप का परफेक्ट गेटवे, अगर आप यूरोप से घूमना चाहते हैं तो दुबई में आए। वेदर भी अच्छा है और यहाँ पर ये अच्छा बीच भी मिलेगा। अभी कैसा लग रहा है? सर्दी बची इंडिया की। दुबई आना से बेस्ट टाइम है, दिसंबर में बिल्कुल ठंड भी नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रेजेंट है।
तो अराउंड 3 o'clock हो गया है और हमको हमारे रूम्स रेडी हैं, तो रूम के कीज मिल गए हैं और ऑलरेडी एक रूम मिल चुका है, पापा और रौनक और बरखा है, वो है 9012 और अब हम जा रहे हैं हमारे रूम में और आपको दिखाते हैं कि वो रूम कैसा है। लेट्स गो। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अभी जब हम लोग आए थे तो उस बंदे ने पूरा एक्सप्लेन किया कि कहाँ पर क्या क्या है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रेस्टोरेंट्स भी हैं, इटालियन है, मेडिटेरियन है, अरबिक भी है। तो आ गए हम हमारे रूम 9113। लेट्स ओपन इट और मैं आपको देती हूँ फिर रूम टूर। वेलकम। और ये है हमारा रूम और ये है हमारे दो बेड्स और इस होटल का नाम केव है क्योंकि ऊपर है केव्स, केव जैसे स्ट्रक्चर है, केव नहीं कोव है आई गेस, पर ऊपर केव जैसा है। और आपको दिखाते हैं अब यहाँ से बालकनी। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का बालकनी। And this is the balcony. और ये आसपास और भी ऐसे ही सेम सॉर्ट ऑफ बंगलोज हैं। Now let's see कि बाथरूम कैसा है। और ये है बाथरूम। अभी इसका फ्लोर वेट है क्योंकि अभी अभी हाउस रेडी हुआ, रूम रेडी हुआ है हाउसकीपिंग के बाद। और यहाँ है कॉफी मशीन। कॉफी मेट भी है सो वी कैन मेक रियली गुड कॉफी। मिल्क भी है। और ये है यहाँ के कबर्ड्स। स्टोरेज स्पेस। आयरन भी है और वेइंग मशीन भी है। So yeah, room. Now let's go and get ready for beach. Oh yeah, like living space. Couch. और यहाँ है टीवी। But एक question mark है, टीवी side है, so we will watch टीवी। अब जा रहे हैं हम लोग बीच पे, तो कैमरा यही छोड़ के जा रहे हैं बट मोबाइल लेके जाएंगे बट कैमरे के वीडियोस नहीं आएंगे। तो लेट्स सी क्या शूट करते हैं वैसे वहाँ जाके बट बीच को एंजॉय करेंगे। लास्ट ईयर न्यू ईयर पे हम लोग थे फुकेट में, थाईलैंड में। यस। और इस बार है हम लोग दुबई में बीच पे आए हुए हैं। दुबई आए थे बट दुबई से बरखा ने बोला कि रसल खेमा जरूर जाना चाहिए, तो हम लोग रसल खेमा में है और है इस सुंदर से बीच में। ब्लू वाटर्स है, सैंडी बीच है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऑरेंज सॉइल है और इतना अच्छा सन आ रहा है, यू कैन सी इट ऑन माई फेस, कितना अच्छा लग रहा है। और तो बीच पे हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। क्लीन वाटर था वो सबसे बेस्ट पार्ट था, और जो सैंड था मतलब जो बीच का सैंड था वो भी बहुत ही क्लीन था। इसलिए अगर सब कुछ क्लीन हो ना तो जो मज़ा होता है वो और टू टाइम्स हो जाता है।
अभी हम आ गए वापस, फ्रेश हो गए, बट अब हम लोगों ने बुक किया है एक इटालियन रेस्टोरेंट में डिनर, तो जाएंगे इटालियन रेस्टोरेंट और करेंगे डिनर। वापस बीच साइड जहाँ पे चल रहा है लैटिनो म्यूजिक और अब होने वाला है बेली डांस। क्या है बर्थडे? दिस इज आइलैंड वे सॉर्बे, पीना कोलाडा सॉर्बे एंड चॉकलेट कोकोनट सॉर्बे। और ये है कोकोनट के चॉकलेट कोकोनट सॉर्बे एंड दिस इज पीना कोलाडा एंड आइसक्रीम एंड अ फ्रूट।